हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। तो सैमसंग ने अपना लेटेस्ट एफ सीरीज में यहाँ पर एक फोन लॉन्च किया है। जैसे कि हम जानते हैं, सैमसंग ने इससे पहले भी एक फोन लॉन्च किया था F41 लास्ट ईयर, जो कि यार वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह चुका है 2020 के अंदर। और इस बार यार सैमसंग थोड़े से हायर प्राइस पॉइंट पे स्मार्टफोन को लेके आया है और इसके अंदर कुछ फ्लैगशिप फीचर्स भी आपको दिए गए हैं जो कि काफी कमाल के हैं। अब ये जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है, ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर 22 फेब से 12 बजे से आप स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 70% कॉस्ट पे करके इस सैमसंग गैलेक्सी F62 को बाय कर सकते हो सिर्फ 16,998 रुपीज में, प्लस यहाँ पे एडिशनल 2,500 रुपए का आपको ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे और भी प्राइस इसकी कम हो जाएगी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फोन के अंदर हमें एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि एक्सिनोस 9825 है, जो कि यार एक फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है। सैमसंग ने इस प्रोसेसर को फ्लैगशिप फोन्स में यूज किया हुआ है लाइक नोट 10 एंड नोट 10 प्लस के अंदर। और ये जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है जो कि काफी बैटरी एफिशिएंट बना देता है। और ये जो प्रोसेसर है यार, ये ऑन पेपर पावरफुल है स्नैपड्रैगन 765 से, जो कि काफी बढ़िया बात है। और 7000 एमएएच की बैटरी यहां पे आपको दी गई है जो कि मॉन्स्टर बैटरी है, जैसे कि हमें M51 के अंदर भी देखने के लिए मिला था। इस फोन के अंदर आपको माली का G76 MP12 GPU मिलता है पावरफुल ग्राफिक्स परफॉर्मेंस एंड इमर्सिव गेमिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं कैमरा इसके, तो पीछे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया। जो मेन कैमरा है यार वो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX68 सेंसर के साथ आता है। तो आप क्विकली यहाँ पे फोन की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये बॉक्स हमें देखने के लिए मिलता है, फ्रंट में F62 लिखा हुआ है। सील को हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर हमें कुछ यूजर मैनुअल वगैरह दिए गए हैं, तो उसको रखते हैं हमें अभी साइड में। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर अपना डिवाइस मिल जाता है जो कि प्लास्टिक में रैप है, इसको भी हम रखते हैं साइड में, बाद में भी इसको चेकआउट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है और उसके साथ में हमें यहाँ पे 25 वॉट का अडेप्टिव फास्ट चार्ज मिलता है सैमसंग का, जो कि USB PD को सपोर्ट करता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइस मिल जाता है, निकाल लेते हैं इसकी प्रोटेक्टिव फिल्म से बाहर और कुछ इस तरीके से डिवाइस देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पास इसका ग्रीन कलर है जो कि यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके का पैटर्न दिया गया है। तो यार अब बात कर लेते हैं इस फोन के डिजाइन की। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का वेरिएंट मेरे को दिया गया है जिसपे पीछे लाइंस वगैरह वाला डिजाइन है, ऊपर से ग्रीन है, नीचे से सिल्वरिश कलर का है। और साइड से भी देखोगे तो यार नीचे से यहाँ पे सिल्वर है और ऊपर से और साइड से यहाँ पे आधा फोन यहाँ पे ग्रीन दिखता है। तो दिखने में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन है और ये थोड़ा बॉक्सियर सा डिजाइन है, लेकिन जो बैक है ये यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बॉक्स में कोई केस वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के दिया गया है, तो वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो राइट साइड में आपको दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट है और एक्यूरेट है, मेरे को यार काफ़ी सही लगता है फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। राइट में वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको दिए गए हैं। बात करें यहाँ पे टॉप की, तो यहाँ पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है। लेफ्ट की यहाँ पे बात करें तो एक सिम ट्रे दी गई है जिसमें दो सिम और मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो, और थोड़ा डिफरेंट तरीके का यहाँ पे सिम स्लॉट दिया गया है जो कि मेरे को काफ़ी सही लगा है। बॉटम की यहाँ पे बात करें तो एक मेन स्पीकर दिया गया है, मेन माइक्रोफोन है, टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, एक हेडफोन जैक भी मिलता है इसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और इस फोन के अंदर आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट मिलता है, तो ईयरफोन के थ्रू आउटपुट भी काफ़ी कमाल का है। अब इस फोन के अंदर आपको 128GB की स्टोरेज मिल जाती है और आउट ऑफ द बॉक्स कितनी स्टोरेज मिलती है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले सैमसंग ने यूज किया है, जैसे कि हम जानते हैं यार सैमसंग की डिस्प्लेज हमेशा से बढ़िया होती है और यहाँ पर भी आपको ऐसा कोई इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफ़ी कम बेजल्स देखने के लिए मिलते हैं, सेंटर पंचोल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल ये डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और बात करें इस फोन के यार सॉफ्टवेयर की, तो फोन चलते हैं यहाँ पे One UI 3.1 के ऊपर जो कि Android 11 पे बेस्ड है। तो सैमसंग ने इस बार यहाँ पे फुल वर्जन One UI का दिया है, जस्ट लाइक पुराने फोन्स में One UI कोर मिलता था M सीरीज या फिर F सीरीज में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सारे ही A सीरीज वाले फीचर्स दिए गए हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि यहाँ पे सैमसंग पे भी दिया गया है और इवन कि यहाँ पे एच पैनल भी दिया गया है। क्विक टॉगल्स में काफ़ी सारे न्यू फीचर है जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। इस फोन के अंदर NFC का सपोर्ट भी दिया गया है, हैप्टिक फीडबैक भी आपको मिलती है, कीबोर्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हो और सारे ही One UI 3.1 वाले फीचर्स इस फोन के अंदर प्रेजेंट है। और इवन कि आप जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो फ्रंट एंड बैक कैमरा में वीडियोस रिकॉर्ड करते हो आप स्विच भी कर सकते हो, इवन कि अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी आप स्विच कर सकते हो, 2x पे स्विच कर सकते हो और मेन कैमरा पे स्विच कर सकते हो। तो ये फीचर यार मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आता है और इस प्राइस सेगमेंट के किसी भी फोन में भी फीचर
देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं कैमरा इसके, तो पीछे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया। जो मेन कैमरा है यार वो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX68 सेंसर के साथ आता है। एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है जो कि 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और कैमरा सैंपल्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ कैमरा सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि यार काफी सही है और काफी अच्छी क्वालिटी में इमेजेस वगैरह कैप्चर कर लेता है। अब यार इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है एक्सिनोस का 9825, वो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग नोट 10 और नोट 10 प्लस स्मार्टफोन में जैसे वो यूज किया था। और ये इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सही है कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर सैमसंग पहली बार यहाँ पे हमें दे रहा है, तो काफी बढ़िया चीज है। और ओवरऑल अगर आप डे टू डे टास्क वगैरह करेंगे तो काफी फास्ट ये स्मार्टफोन रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्कोर्स वगैरह ऑन पेपर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये स्मार्टफोन। और इसके अंदर जो जीपीयू दिया गया है माली का G76 MP12, वो गेमिंग वगैरह के लिए और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए काफी सही रहने वाला है। इस फोन के अंदर आपको सिंगल टेक वाला फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको इस तरीके से जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे शटर बटन को प्रेस करना है और कैमरा जो है वो AI की मदद से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स पे यहाँ पे इमेजेस को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसमें नॉर्मल इमेज वीडियो, ये यहाँ पे क्लोजअप शॉट लिया है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ये यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ले लिया है और ये थोड़ा सा अलग फिल्टर वगैरह अप्लाई करके लिया है और ये शायद से बूमर रहेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हो जो कि काफी यूजफुल हो जाता है काफी सिनेरियोस के अंदर। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्मार्टफोन को आप 70% कॉस्ट देके यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्लान है ये कैसे यहाँ पे काम करता है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे टेबल देख सकते हो यहाँ पे जो प्राइस है 6128 का वो यहाँ पे 30,000 रुपीज है और जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है वो 24,000 रुपीज है। अगर आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड ऑफर के अंदर यहाँ पे बाय करते हैं तो जस्ट आपको 16,799 रुपीज यहाँ पे करने हैं और जो प्रोग्राम की फीस रहेगी वो सिर्फ 99 रुपीज रहेगी जो कि वन टाइम यहाँ पे आपको पे करनी है। और यहाँ पे सिर्फ आप 16,899 रुपीज पे कर रहे हैं और स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं और बाकी की जो रिमेनिंग 30% जो आपकी बचेगी वो आप साल के बाद स्मार्टफोन को अपग्रेड कर सकते हो या फिर वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको पे कर सकते हो फ्लिपकार्ट को। और ये जो ऑफर है अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो ये क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMIs एंड बजाज फिनसर्व के ऊपर अवेलेबल है, नॉर्मली ये कैश में अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होंगी तो वो भी आप जरूर से चेकआउट कर लेना, सबका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन को आप 16,898 रुपीज में बाय कर सकते हो और ये वाला जो प्राइस विदाउट ऑफर है। अगर आप इस पे ऑफर भी लगा दोगे 2,500 रुपीज का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का तो आपको ये इफेक्टिवली जो स्मार्टफोन है वो 14,398 रुपीज में मिलेगा जो कि भाई इस प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़ी डील हो जाती है। यही सेम अप्लाई होता है 8128 के ऊपर भी, वहां पर थोड़ी जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे होगी, बाकी सेम वो एग्जैक्ट वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और अभी इस स्मार्टफोन का आपको रिव्यू और पूरी टेस्टिंग के साथ वीडियोस भी मेरे चैनल पे मिलने वाली है तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करना और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो स्मार्टफोन के ऊपर वो भी बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।